परसेंटेज की अगली क्लास में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आपने सीआरटी कर लिया होगा। कॉन्सेप्ट डिविजन टेस्ट है आपके पास और एक्सपेक्टेड यही कर सकता हूं मैं कि आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा। जल्दी जल्दी में इसको सॉल्व करेंगे, फिर आज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही ढंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन अ कॉलेज देयर आर 1500 स्टूडेंट, लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज एंड द 4% ऑफ द बॉयज ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट एंड टुडे एक्सेप्ट 8% ऑफ द गर्ल्स ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कहता है 1500 बच्चे हैं, आज जो है ना 4% लड़के को छोड़कर सभी उपस्थित हैं, कल 8% लड़कियों को छोड़कर सभी उपस्थित है, ठीक है। फिर कहता है बट इन द बोथ डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल आर सेम, लेकिन कहता है दोनों में बराबर मात्रा में बच्चे थे। अच्छा, इसका मतलब है 4% जो एब्सेंट थे उतने ही 8% गर्ल्स होगी, 4% ऑफ द बॉयज इज 8% ऑफ द गर्ल्स। इसका मतलब ये रेशियो का क्वेश्चन हुआ, 2:1 का रेशियो है। टोटल बच्चे कितना है? 1500 2:1 में बटेगा, 3 से भाग लगेगा, 1 का वैल्यू कितना होगा? 500। मतलब कि 1000 लड़के हैं और 500 लड़कियां। एक आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। इन अ कॉलेज देयर आर 2000 स्टूडेंट ऑन April 2nd, चलो पहले दो ये जो क्वेश्चन है ना ये पिछले क्वेश्चन के समान ही है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। कहता है 2000 स्कूल में बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं। कहता है ऑन 2nd अप्रैल ऑल प्रेजेंट एक्सेप्ट 5% ऑफ बॉयज, कहता है 5% लड़के नहीं आए, सब हैं लेकिन 5% बॉयज नहीं है, लड़का नहीं है। फिर कहता है ऑन 3rd अप्रैल ऑल प्रेजेंट एक्सेप्ट 7.5% ऑफ गर्ल्स, कहता है 5% बॉयज नहीं आए इस दिन और इस दिन 7.5% गर्ल्स नहीं आई। फिर क्वेश्चन एक बात कहता है, वो ध्यान से समझने वाली बात है। कहता है दोनों दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, जितने बच्चे पहले दिन थे उतने ही बच्चे दूसरे दिन है। इसका मतलब 5% जब अब्सेंट हुए और यहाँ पर 7.5% गर्ल्स अब्सेंट हुई, तो दोनों में तो नंबर बराबर ही आया ना जी, जितना यहाँ गायब हुआ उतना ही यहाँ गायब हुआ, तभी तो नंबर कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो जो रेशियो बनेगा आप जानते हैं, रिवर्स आपको मैंने मिक्सचर का क्वेश्चन समझाया था, 60% दूध है पानी डाला तो 40% हो गया, वही क्वेश्चन है। तो ये हो गया कितना, 3:2 काटेंगे तो 3:2 आ जाएगा, उलट के काटना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आएगा 7.5 और यहाँ पर आएगा 5, 2.5 से दोनों को काटेंगे 3 और 5 2, ये टोटल बच्चों की संख्या। 5 यूनिट का वैल्यू ये है, 1 का वैल्यू कितना होगा? 400। तो 1200 लड़के होंगे और 800 लड़कियां होंगी। क्वेश्चन है क्या पूछा? क्वेश्चन है पूछा स्कूल में लड़कों की संख्या, बॉयज का नंबर, आंसर हुआ 1200, बी नंबर, ठीक है। अब हुआ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd स्क्रीन के ऊपर है। ऑल्दो मैंने सीआरटी पहले प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को उसके लिए, आज सॉल्व करके रखने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी स्क्रीन के ऊपर है, जिसने नहीं देखा है जल्दी कीजिए। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन स्कूल, द नंबर डिक्रीज बाय 20% दिस ईयर, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द स्कूल इफ नंबर ऑफ गर्ल्स वर 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर। हुआ चले मैं बता देता हूँ। कहता है लास्ट ईयर देयर वाज 610 बॉयज, कहता है पिछले साल 610 लड़के थे, द नंबर डिक्रीज बाय 20% दिस ईयर, 20% कितना होगा? 10% दिस, तो 20% दिस, ये डिक्रीज कर गया, ये होगा 8, ये होगा 8 और ये होगा 5, 588। कहता है इस साल इतने हैं, है ना,
द नंबर डिक्रीज बाय इतना दिस ईयर, इस साल इतने बच्चे हैं, 588 हैं. हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज 175% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर. कहता है जितने लड़के इस साल है ना उसका 175% लड़की इस साल है, तो बताओ लड़की की संख्या 175% निकालना है इसका. ये तो 100% तो है ही, है ना. अच्छा 488, हाँ ठीक है 488, इसका 75% लेना है, 3/4, 4 से डिवाइड करोगे तो 122, 3 से गुणा करोगे 366, तो आंसर होगा 14, और ये हो जाएगा 15, कैरी 1854 आंसर होगा. सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी. क्या आंसर है? A man has rupees 4000 two years ago. In the first year, he deposited 20% of the amount in his account. In the next year, he deposited 10% of the increased amount in the account. Find total amount in the account of person after 2 years and also find percentage of amount in account of the person. चले मैं बता रहा हूँ. 4000 रुपीज पहले था उसके पास, ठीक है. कहता है इन द फर्स्ट ईयर डिपॉजिटेड 20% ऑफ द अमाउंट, 120/100 कर लो. फिर कहता है इन द नेक्स्ट ईयर डिपॉजिट 10% ऑफ इंक्रीज अमाउंट, 110/100 कर लो. फाइन टोटल अमाउंट आफ्टर टू ईयर, आल्सो फाइन परसेंटेज ऑफ द फाइन परसेंटेज अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन. अच्छा क्या है? व्यक्ति के खाते की राशि का प्रतिशत भी ज्ञात करें, किससे परसेंट ज्ञात करना. तो ये तो एक तो कट जाएगा ये, है ना, और ये वाला कट जाएगा. अब ये आप जान लो, इसको गुणा करोगे तो 132 × 4 ये हो जाएगा कितना, 08 और 5280, 5280 रुपया इसके अकाउंट में, ठीक है. और 5280 केवल एक ऑप्शन पे बी पे, तो आंसर हो जाएगा बी पर, बी आंसर होगा, ठीक है. लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन है ये, यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है क्वेश्चन में, मैं लिखा था. इसने कहा फाइन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ द अकाउंट, ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए. इसको एक बार तुम लोग भी ना लिख लो ये गलती, ठीक है, क्योंकि इसको ठीक करना है. क्वेश्चन में ये होना चाहिए फाइन नेट परसेंटेज चेंज, क्या होना चाहिए, नेट परसेंटेज कितना प्रतिशत भरा. तो पहले भरा 20% और फिर भरा 10%, तो आप बताओ आप कितना परसेंट भरा. या तो ऐसे भी निकाल लो कितना भरा, 1280 कितने में, 4 में, तो ये कितना परसेंट है, 4000 में 1280 भरा, ठीक है. 00 काट दो, 32% है, कितना है, 32% है, 32% है. और ए बी करके निकालते हो तो आप जैसे निकाल उससे भी निकाल सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, 32% नेट ग्रोथ है, तो आंसर हुआ बी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5. मुझे नहीं लगता कराने की आवश्यकता, पता है क्यों, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए, स्किप करो इसको. मैं देखता हूँ 6 नंबर में, एनुअल अर्निंग ऑफ मिस्टर अभय 4 लाख पर एनम, फर्स्ट ईयर जॉब एक्सपेंडिचर वो. हाँ क्वेश्चन नंबर 6 लाओ, इकट्ठा 6 लाओ, 5 को स्किप कर दो, आसान सा सवाल है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है 5 वाला. चलिए मैं बताता हूँ. कहता है एनुअल अर्निंग ऑफ मिस्टर अभय 4 लाख, 4 लाख रुपए वो कमाता है, ठीक है, कितना कमाता है, 4 लाख. कहता है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द जॉब एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज 50%. कहता है तथा उसका खर्च 50% है, 50% मतलब कितना, 2 लाख है, सेविंग कितना होगा, 2 लाख होगा, है ना. कहता है 4 लाख रुपीज कमाया, 2 लाख खर्च किया, 2 लाख सेव किया. कहता है लेटर ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एवरेज इनकम इंक्रीज है 40,000 पर एनम. कहता है अगले साल जो इनकम है ना वो हर बार 40,000 रुपया बढ़ गया, हर साल 40,000 रुपया बढ़ गया, मतलब नेक्स्ट ईयर कितना इनकम हो गया, 4,40,000, है ना. उसके अगले साल 4,80,000 और फिर 5,20,000, अगले 3 साल तक ऐसा होता रहा. और 3 साल का सेविंग दिया हुआ पहले साल, क्या चालीस हजार भरा ना,
कहता है पहले 40% पहले साल का सेविंग है, इसका 40% निकाल लो बच्चे, इसका 40% कितना होगा, ये 2 लाख में 0-0 में लिख देता हूँ जान के आपको दिक्कत ना हो इसलिए, और इसका 40% हो जाएगा इसका 4 गुना 000 तो आएगा ही आएगा, और उसका 4 गुना 16, और वो 16 1 17 1,76,000। फिर इसका इसमें इसने इस साल इसने कितना बचाया है 30%, इसका 30% लेना है तो 10% का 30%, 000 तो ले ही लो, और उसका 8 24 2 12 14 1,44,000, और इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसका 20% लेना है ना, ठीक है, तो 10% तो हो गया, 20% इसका कितना हो जाएगा 4 और 0 1, ये हो जाएगा 1,04,000। तो सेविंग जो है ना इसका ओवरऑल कितना हो गया, इतना ₹6,24,000 इसकी सेविंग हो गई। क्वेश्चन कहता है तो बताओ कुल व्यापार कुल बचत का कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है मुझे इंग्लिश में पढ़ाओ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल सेविंग ओवर नो एनी इंटरेस्ट अप्लाई ऑन द सेविंग फॉर दिस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल सेविंग्स ओवर नो एनी इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन द सेविंग फॉर दिस ईयर, किसका परसेंटेज निकालना है सेविंग में, किसका, इन 4 वर्षों में बचत पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाए तो कुल व्यय पर उनकी कुल बचत का प्रतिशत, अच्छा कुल व्यय पर खर्च लिखा होना चाहिए इंग्लिश में, फिर मिसिंग है क्वेश्चन, इंग्लिश में खर्च लिखा होना चाहिए, टोटल व्यय देख लो, अच्छा अगर कोई यहाँ पर 1,74,000 एक्सपेंडिचर कर रहा है तो बचाएगा कितना, 1,76,000 अगर खर्च कर दिया तो इसको ना इसको भी अच्छे से ही लिख लो, 2 लाख अच्छे से लिख लो, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर 170 खर्च कर दिया तो बचा कितना, इसका बेसिकली 60% बच जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 000 24, ठीक है, 1 लाख हो गया, और नहीं 1,40,000 है तो यहाँ 64 हो जाएगा, तो 1 लाख हो गया, और इधर 1,2 तो 2,64,000 हो जाएगा, ठीक है, देखो तो जोड़ कर, ठीक है, 10 और 13 1 14 और 2 1 3 1 4, ठीक है, आगे कहता है इसमें इसमें कहता है इसमें 480 है, 480 में 144 चला गया, तो 480 में 144 चला गया तो 3 और 44 गया तो 36, ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें, और 14 गया है 520 में, 14 गया है 520 में सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना है 14, तो ये हो गया 416, तो ये आपका खर्च हो गया, ये हो गया आपका कितना परसेंट, ठीक है, 12,16,000 आपका एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन ने कहा कितना परसेंट है, ये लगभग 50% से थोड़ा सा ऊपर है, 50% से थोड़ा सा ऊपर है, ऑप्शन देखो बहुत क्लोज कर दिया है, 51 सही 6/19 भी है और 51 सही 37/87 भी है, तो इसका मतलब हमें पूरी तरह से इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आप देखो कितना, ये तो समझ में आ रहा है कि इसका ये हाफ है, हाफ से थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये 6/8 और ये 6/24 है, मतलब 50% से ऊपर है, 50% में 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक 51 होल 6/19 51 होल 37/87, तो इसको करना पड़ेगा आपको 624/12/16 × 100, 00 काट दो, 10 काट दो और काटते रहो आप ना, इसमें जल्दी में कैसे देख सकते हैं आप, बस ये पता करने की कोशिश करो इसमें 19 है या 87 है, जो है ना वो आंसर में आ जाएगा, अगर 19 है तो बी नंबर और अगर 87 है तो सी नंबर, ठीक है, ये देख लो 19 से काटते हैं 114 617, हाँ 19 से कट जाएगा, इसका मतलब इसमें 19 है तो बी नंबर आंसर, और नहीं तो इसको काटो आराम से ये वाला आंसर आएगा, आंसर होगा बी नंबर, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, उसने कितना कमाया कितना खर्च किया और कितना बचाया, कहा बचत जो है ना सेविंग का कितना परसेंट है, चूंकि वो एब्रप्टली इंक्रीज है एक, तो हमें प्रॉपर सॉल्व करके जाना पड़ेगा, एक रफली आइडिया भी ले सकते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इक्वल 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 है, लेकिन फिर यहाँ पर दिक्कत क्या करेगा, ये 40% 30% 20% इसमें अलग अलग हो सकता है ना, कभी 36% हो जाता कभी 70% हो जाता, तो आपको प्रॉपर सॉल्व कर लेना चाहिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट लाइन में इसमें एक गलती है उसको ठीक करते हैं, हाउ मच परसेंटेज लेस टॉक टाइम वी गेट फ्रॉम रिलायंस पोस्टपेड कार्ड देन, यहाँ पर गलती है, देन
प्रीपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम, लास्ट लाइन में प्रीपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम होगा, ठीक है, हिंदी में। हमें रिलायंस पोस्टपेड कार्ड से टाटा इंडिकॉम के प्रीपेड कार्ड की तुलना में कितना प्रतिशत कम प्राप्त होता है? प्रीपेड कार्ड होना चाहिए यहाँ पर। वैसे क्वेश्चन अच्छा नहीं, इसमें ऊपर ही चेंज कर दिया गया शायद, एक मिनट बच्चे रुक जाना, पोस्टपेड ही ऊपर ही चेंज कर दिया गया जबकि ऊपर पहले प्रीपेड था ओरिजिनल क्वेश्चन में। मैं पढ़ लेता हूँ, द प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम गिव्स 23% लेस टॉक टाइम देन प्रीपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम हैविंग सेम प्राइस। अगेन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस ऑफ टाटा इंडिकॉम गिव 20% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। हिंदी में क्या, रिलायंस प्रीपेड कार्ड के समान कीमत इंडिया इंडिकॉम में प्रीपेड कार्ड की तुलना, रिलायंस इंफोसिस का पोस्टपेड कार्ड समान कीमत वाले टाटा इंडिकॉम के पोस्टपेड कार्ड की तुलना में इससे कम टॉट कम देता है, इसके प्रीपेड कार्ड भी इससे कम टॉट कम। क्वेश्चन में इसमें ना को दो बार लिख दिया गया है, मैंने क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए दिया था, इसमें थोड़ी गलती है, मैं प्रॉपर क्वेश्चन को रेक्टिफाई करवा दूंगा, ठीक है, ये सॉल्व भी करा देता हूं आपसे, होगा नहीं वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व, मैं देख लेता हूं क्या गलती है उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व भी कर देता हूं मैं, आप छोड़ दीजिए थोड़ी सी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं पर गलती है। कहता है द प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम गिव्स 23% लेस टॉक टाइम देन प्रीपेड कार्ड ऑफ टाटा। देखो रिलायंस का टाटा के प्रीपेड कार्ड से, ये प्रीपेड कार्ड की बात है, ठीक है, से 23% लेस टॉक टाइम है, मतलब ये अगर 100 देता है तो ये 77 देता है। आगे कहता है अगेन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस ऑफ टाटा इंडिकॉम गिव 20% लेस टाइम देन प्रीपेड कार्ड। अगेन पोस्टपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम गिव 20% लेस टॉक टाइम देन प्रीपेड कार्ड। अच्छा टाटा का जो है ना प्रीपेड कार्ड की तुलना में पोस्टपेड कार्ड में 20% कम मिलता है, ठीक है, टाटा में पोस्टपेड कार्ड में मान लो 100 मिलता है, सॉरी पोस्टपेड प्रीपेड कार्ड में 100 मिलता है तो पोस्टपेड कार्ड में 80 मिलता है। आगे कहता है प्रीपेड कार्ड, सिमिलरली द पोस्टपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस ऑफ रिलायंस गिव्स 9.09% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। कहता है जबकि रिलायंस का जो पोस्टपेड कार्ड है वो इससे 9.09% कम देता है, ये कितना कम देता है 20%, ये इसके तुलना में कितना कम कर देता है 23%, और ये 9.9 आप जानते हैं 1/11 होता है, 7 कम हो जाएगा कितना होगा 70। अब क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच परसेंटेज लेस टॉक टाइम वी गेट फ्रॉम रिलायंस पोस्टपेड कार्ड देन पोस्टपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम। 70-80 से कितना कम है, डेफिनेटली 10 कम है, 10 कितने में 80 में इंटू 100, आंसर होगा 12.5%। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में लेकिन गलती है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है मैं ठीक भी करा देता हूँ, रिलायंस इन्फो का प्रीपेड कार्ड समान कीमत वाले टाटा इंडिकॉम के प्रीपेड कार्ड की तुलना में 23% कम टॉक टाइम देता है, रिलायंस इन्फो का पोस्टपेड कार्ड समान कीमत वाले, यहीं पर गलती है, यही गलती है, ये जो रिलायंस इन्फो लिखा है ना यहाँ पर होना चाहिए टाटा इंडिकॉम के पोस्टपेड कार्ड समान कीमत वाले टाटा इंडिकॉम के पोस्टपेड कार्ड की तुलना में 20% कम देता है। आगे होना चाहिए जो प्रीपेड कार्ड से, फिर ये पूरा क्वेश्चन मतलब हिंदी में मुझे लिखाना पड़ेगा, एक काम करो इस क्वेश्चन को हिंदी में जो लिखना चाहते हो लिख दो, मैं पूरी तरह से हिंदी बोल देता हूँ, यहाँ पर गलती है और इसको रेक्टिफाई करना मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन ये है रिलायंस इंडिकॉम का प्रीपेड कार्ड टाटा इंडिकॉम के प्रीपेड कार्ड से 23% कम टॉक टाइम देता है, रिलायंस इंडिकॉम का प्रीपेड कार्ड टाटा इंडिकॉम के प्रीपेड कार्ड से 23% कम टॉक टाइम देता है, क्लियर। फिर है जबकि टाटा इंडिकॉम का पोस्टपेड कार्ड टाटा इंडिकॉम के प्रीपेड कार्ड से 20% कम टॉक टाइम देता है, टाटा इंडिकॉम का पोस्टपेड कार्ड टाटा इंडिकॉम के प्रीपेड कार्ड से 20% कम टॉक टाइम देता है, रिलायंस इंफोकॉम का पोस्टपेड कार्ड रिलायंस इंफोकॉम के प्रीपेड कार्ड से
रिलायंस इन्फोकॉम के प्रीपेड कार्ड से 9.09% कम टॉक टाइम देता है, 9.09% कम टॉक टाइम देता है। अब क्वेश्चन पूछा है, ये मत लिख लेना, रिलायंस इन्फोकॉम का पोस्टपेड कार्ड, रिलायंस इन्फोकॉम का पोस्टपेड कार्ड टाटा इन्फोकॉम के पोस्टपेड कार्ड से कितना प्रतिशत कम उत्तर देता है। रिलायंस इन्फोकॉम का पोस्टपेड कार्ड टाटा इन्फोकॉम के पोस्टपेड कार्ड से, टाटा इंडिकॉम के पोस्टपेड कार्ड से कितना प्रतिशत कम उत्तर देता, कम टॉक टाइम देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दूं अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो। क्या बच्चे चाहते हैं रिपीट कर दूं मैं? चाहते हैं? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, दो तरह के कार्ड की बात की गई, रिलायंस और टाटा। कहा रिलायंस कह रहा है कि जितना टाटा देता है ना प्रीपेड में, मैं उससे 23% कम देता हूं। तो इसका मतलब अगर ये 100 देता है तो 77 देता है। फिर टाटा का कहना है मेरा प्रीपेड में जितना मिलता है ना उससे मैं 20% कम देता हूँ पोस्टपेड में, मतलब कि अगर प्रीपेड में 100 मिलता है तो पोस्टपेड में 80 देता है। और रिलायंस का कहना है जितना प्रीपेड में मिलता है ना उससे इतना परसेंट कम देता हूँ, तो इसका 1/7 मतलब 1/11 मतलब 7 होगा, तो 70 देता होगा। तो रिलायंस बेसिकली 70 देता है जबकि टाटा 80 देता है पोस्टपेड में। अब कहता है रिलायंस कितना कम देता है, 10 कम देता है, कितने में, 80 में, इंटू 100, आंसर होगा 12.5%। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। से पढ़ा सकता हूं या पढ़ाता हूं, आप लोगों को थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को ही दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा फास्ट, अभी तो एक्चुअल में पढ़ाया नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा फास्ट, अभी तो सॉल्व करा रहा हूं। ये सामने नहीं है ना बच्चे, इसमें इस कारण से बहुत कुछ चीजें तो मतलब अभी आप दोनों क्वेश्चन छोड़ देना बस। कितना टाइम हो गया, एक कैलकुलेशन करना बच्चों को। ठीक है, हाँ 9:30 बज गया। ठीक है, 5 मिनट के लिए आपको मैं कैलकुलेशन की कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, जल्दी से आप करेंगे इसको। 28 × 59, 36 × 64, 59 × 87, 54 × 89, 57 × 43, 29% ऑफ 840, 31.5% ऑफ 999, इजी हो जाएगा, 1280, 51.5% ऑफ 1560, 34% ऑफ 1890, ठीक है, 340 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1680, 590 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2100, 720 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1700,
550 इज व्हाट परसेंट ऑफ 840? आपके सामने बस इतना क्वेश्चन है और आपके लिए 10 मिनट का ब्रेक है, मतलब ब्रेक मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है? आपके लिए कोई ब्रेक नहीं है, आपको 10 मिनट के अंदर ये करना है फटाफट, ठीक है? और मुझे एक एक बच्चे से आंसर चाहिए जल्दी में, रोका जाए। जल्दी आंसर बता दे, चलो फटाफट, पहले का आंसर क्या है जल्दी बोलो, कितना 16 52 सबका आंसर है बच्चों का, ठीक है? सेकंड का आंसर बोलो क्या, 1944, ठीक है? नहीं गलत है, तुम्हारा कितना है 2304, ये आ रहा है, ये वाला गलत है, ठीक है? गलत आंसर नहीं बताएगा ये वाला 5133, ठीक है? ये वाला 4806, कितना 4806, ठीक है? ये वाला 2451, ये ठीक है? ये वाला में गलती है, रह गया 3751 और 212, ठीक है? अब बताओ 29% और 840, 29% 840 का कितना परसेंट है? 240, 3.6, ठीक है? 31.5%, 1280 का कितना है? 403.2, मतलब ठीक है 23, इतना है ना, ठीक है? 51.5% ऑफ 1560, ऐसा तो नहीं कैलकुलेटर से निकाल के बैठ लिया, प्रॉपर निकाला है ना, ठीक है? इसका आंसर बोलो 34% ऑफ 890 क्या 642, सबसे है बच्चों का आंसर है ये सब, ठीक है? अब बताओ इसमें नहीं कर पाए ये तुम 20.95 और ये वाला नहीं किए हो, बच्चा किया है? तुम लोग आंसर दे दो, कोई बात नहीं, अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट, 2 मिनट का और टाइम, और इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि ये वाला नहीं समझ में आया तो मैं ये वाला निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है? उम्मीद है मैंने बहुत समझा दिया है, तो अब बस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मैं बताता जाऊंगा कैलकुलेशन की, उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग एड ऑन करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने 2 डिजिट का बताया तो इसमें मुझे 32 बताना है, 23 बताना है, 33 बताना है, फिर मैं स्क्वायर निकालना, रूट निकालना, ये सब सिखा दूंगा, एलसीएम निकालना भी सिखाना मुझे। वह इक्यावन तैतीस वाला कौन सा, कहाँ ये वाला कैसे हुआ, चलो मैं बता देता हूँ, हिंदी में बताया इंग्लिश में, चलो हिंदी में पहले बताता हूँ, 7 9 63 बचा 6, फिर 7 5 35 और 6 41 और 8 9 72, 72 और 41, 72 और 41 कितना हो जाएगा 110 13, बचा 110 110, 8 5 40 और 10 50, कितना हुआ था ये, सॉरी 113, तो 51 51 33, ये होगा आंसर, ऐसे हुआ। इंग्लिश में बताऊँ अलग से बता देता हूँ, 59 × 87 7 9 63 कैरी 6 7 5 35 41 एट द सेम टाइम 8 9 72 72 and 41 113 3 11 कैरी 8 5 40 40 and 11 51, ये होगा। कौन सा आया, आया कितना, कितना ये वाला बता दूं,
ठीक है, ये बताया तो मैंने देखा इसका 10% तुरंत देखा, 10% 168 है, 20% निकाल लिया, इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल होगा 336, ठीक है 336, तो 20% तो सीधा आ गया। अब देखो 4 ज़्यादा है उससे, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना, तो 4 अगर ज़्यादा है और इसका जो है ना 1% देखो तो 16 है, तो 1 का भी चौथा हिस्सा, थोड़ा उससे भी कम, तो उस चौथा हिस्सा 1 का 0.25 होता है, तो इसका मतलब है 20.25 से भी कम है, तो बहुत कहोगे ना तो 225% के आसपास होगा। तो इसने कितना निकाल के बताया था मुझे, 95 बताया था, 95 कहाँ है, 20% 4 ही तो ज़्यादा है, 4 जो ज़्यादा है तो उसका चौथा 1% का फोर्थ पार्ट है, 95 कहाँ आ रहा है, 225 वगैरह आएगा। उस बच्चे ने जो आंसर दिया था रॉन्ग था, यही होगा, कितना अभी निकाल कर देख लो, इतना ही आएगा, 20.225 आएगा। तुम्हारा कितना आ रहा है, 95 आ रहा है, नहीं तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे देखने दो, 340 से तो निकालना है, 4 ही तो ज़्यादा, नहीं तुम लोग कह रहा है, ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है 225 या 24 वही उसी के आसपास होगा। वाह, इसका आंसर क्या है, 590 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2100, कितना 28.90। बच्चों का कितना आ रहा है आंसर, चलो मैं बता देता हूँ, 09 और 9 में तो अंतर है, ठीक है 28 पॉइंट, सीधा सीधा मैं तो इसको निकालूंगा 30%, ठीक है 30% हो जाएगा इसका 630। अब मुझे देखना है कितना कम है, तो मैं कम देखा तो इसमें 40 कम करना है, इसका 1% है 21, 2% अगर कम कर दें तो 28 होगा, 28 में क्या हो जाएगा, 21.1% आंसर होगा, गलत है ये, 28.1% 09 होगा एग्जैक्टली, अगर कहें तो 21.09 होगा। बेसिकली जो बच्चा इस तरह से आंसर दे रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कैलकुलेटर यूज कर रहा है इतना एक्यूरेट नहीं दो कि पता चल जाए कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है और अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है 720 ये कितना परसेंट है, जल्दी बोलो कितना है, बोलो तो 68, ठीक है 68, 680, 80 40 बचा और 17 × 34 42 और उसके बाद 6 बचा, लगभग 42.3% के आसपास होगा, आ रहा है पॉइंट नहीं 3 हो जाएगा क्योंकि 6 बच जाता है, देखो कैसे निकाला हमने, ये देखो 680 हो गया, उसका देखो 40 बच रहा है, इसका अगर 2% लोगे तो 34 और आ जाएगा, 6 बच जाएगा, 1% का तीसरा भाग है 6, तीसरा भाग से थोड़ा कम, तो 3.33 नहीं कह के मैंने 3 कहा इसीलिए, ठीक है। और ये कितना है 550, हाँ 50% निकालते तो 420 होता, 420 से कितना ज्यादा है 130, अगर 10% और ले लेते तो 10% और ले लेते तो 84 भी आ जाता, मतलब 60% तक तो आ जाता, ये कितना हो जाता 504, अभी भी बचता 26 है ना, देखो 1% लेते तो 8 होता, 8 या 24 25 मतलब 63% 3% और लेते हैं, हाँ 46 चाहिए 46 कितना हो जाएगा उसका आधा है ना, मतलब 5% 65 हो रहा है क्या, हाँ 5% अगर लेते हैं तो 42 और आ जाता, तो इसका 65% आ गया, 65 से भी थोड़ा ज़्यादा है, कितना 4, तो 65.51% का आधा, 1% का आधा मतलब 0.4% एक्चुअल में होगा, इतना होगा, होगा जी 1% का आधा कितना होता है, 1% का आधा 0.5 होता है ना, 4 होगा, इतना होगा 65.4% होगा, हाँ ठीक है 4.7, इतना ज़्यादा एक्यूरेट मत बनो, इतने के करीब होगा, ठीक है डन, स्ट्रीम ऑफ हो